हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम लोग पहुंचे हैं ठाकुरबाड़ी संगम घाट पे, क्योंकि अपने बिहार का महापर्व आ रहा है छठ पूजा। महापर्व यानी कि दिवाली के 6 दिन के बाद जो खुशहाली आएगी ना, बिहार भर के लिए इंतजार हो रही है। बिहार तो ही है, साथ में यूपी और झारखंड वाले लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं छठ पूजा की। तो क्या कुछ होने वाली है संगम घाट पे जहानाबाद में। अगर भाई को इस गेम पे फॉलो नहीं किए तो फटाफट फॉलो कर ले। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले। तो चलिए वीडियो करते शुरू। जैसे ही हम लोग ठाकुरबाड़ी परिषद में इंटर किए, वैसे ही बच्चे लोग मिल चुके हैं। से हाय। छठी मैया तोहारी बरतिया करब। फिलहाल संगम घाट पे पहुंचे हैं और किस तरीके से यहाँ पर का नजारा है वो आपको हम दिखला रहे हैं। छठ पूजा में अभी तो कुछ नहीं है, छठ पूजा में इतने ज्यादा यहाँ पे रश होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं संगम घाट पे और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है छठ पूजा को लेके नगर परिषद के द्वारा, तो वो भी आपको हम दिखला रहे हैं क्या कुछ है यहाँ पे तैयारी। वो तमाम अपडेट आपको दे ही रहे, तो चलिए वीडियो में आगे बने रहे। वीडियो को स्किप न करे, कोई ऐसा पार्ट छूट न जाए। नदी तो आती है, साथ में कीचड़ भी लेके आती है, मिट्टी और कीचड़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज और नगर परिषद के लिए सबसे चुनौती भरी काम होती है वो क्या होती है ना, ये पानी को जो है आपको पूरा निकाल दिया जाता है। देख सकते हो वहां पर निकाला भी जा रहा पानी को, और निकालने के बाद फिर फ्रेश पानी यानी कि फ्रेश पानी वहां टैंक से आ जाती है, और टैंक से आने के बाद फिर इसी में आ जाते हैं। उसके बाद छठ व्रती जो है वो अपने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है यहाँ पे, उसी के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम की जा रही है। तो नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे सफाई के अभियान चलाया जा रहा है। अभी संगम घाट पे हम लोग हैं और किस तरीके से यहाँ पे सफाई की जा रही है वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। वॉल पे देख सकते हैं किस तरीके से मिथिला पेंटिंग करके किया गया अट्रैक्टिव, वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो भगवान भास्कर का प्रतिमा भी बनाई गई है, और किस तरीके से मिथिला पेंटिंग के द्वारा बनाई गई है, और कलाकार भी बहुत ही अच्छे से सराहाया है। तो चलिए और आगे की ओर लेके चलते हैं। पूरे वॉल पे देखा जाए तो छठ की वाइब पूरा ही दिख जाता है। और अगर आप छठ को याद कर रहे हैं तो आप संगम घाट पे आके आप याद कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे मिथिला पेंटिंग के द्वारा यहाँ पे किस तरीके से दर्शाया गया छठ पूजा को, तो अलग सी वाइब ही आ जाती है और देख के मन मोहित हो जाता है। दौरा लेके जाया जा रहा है और यहाँ पे सिंदूर भरा जा रहा है। किस तरीके से मिथिला पेंटिंग देखा जाए तो पूरा छठ का टोटल वाइब जो है वो दिख रहा मिथिला पेंटिंग के द्वारा। और यहाँ पर देखा जाए तो भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा, तो वो भी आपको हम दिखला रहे हैं किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा। अभी हम लोग पहुंचे हैं जहानाबाद के संगम घाट पे, और किस तरीके से नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे सफाई अभियान किया जा रहा है घाटों पे, तो वो प्रॉपर आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से काम की जा रही है। देखा जाए तो घाट को उस तरफ झाड़ू पड़ रहा, किस तरीके से एकदम सब चीज प्रॉपर टाइप से किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। क्या कुछ है तमाम अपडेट तो आपको देते ही रहते हैं, तो चलिए और आगे की ओर लेके चलते हैं। पेंटिंग की बात किया जाए तो पेंटिंग भी घाट को किया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग तो हो ही चुका है। आज हम लोग दिखलाने के लिए पहुंचे हैं संगम घाट की किस तरीके से प्रॉपर तरीके से नगर परिषद के द्वारा काम किया जा रहा संगम घाट पे छठ पूजा के लेके। आई होप आप सबको संगम घाट वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वाला कंजोर वाले की आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।